भगवद गीता चैप्टर 3 कर्मयोग श्लोक 31-35। ये मे मत मिदम नित्यम नुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तोन सूयन्तो मुच्यन्ते तेभि कर्म भी। ये त्वेतदभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढस्तान विधि नष्टान चेतस सदृशं चेष्टे स्वस्य प्रकृतिर्जानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इन्द्रियस्येन इन्द्रियस्य अर्थे रागदेशो व्यवस्थितौ त्योण वशमा गच्छितो ह्यस्य परिपंथिनो श्रियान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निद्रम श्रेय परधर्मो भयावह। अब इन श्लोकों में कृष्ण कह रहे हैं कि जो मैं कहता हूँ, जो मेरी बातों को नहीं मानता है, मेरी बातों में श्रद्धा नहीं रखता है, उसका कल्याण कैसे हो सकता है? उसका नष्ट होना तय ही है। और जो अपने धर्म को मानता है, बुद्धिमान से बुद्धिमान भी अपने धर्म को ही मानकर चलते हैं, जो अपने धर्म को थोड़ी गलती से भी कर लो तो ठीक है, पर दूसरे के जो दूसरे का है कर्म, उसे आप बहुत अच्छे से भी करो वो भी गलत ही है। तो हमें ये बात समझ नहीं आती है कि हमें लगता है कि कृष्ण तो अहंकारी है, वो कह रहे हैं कि जो मेरी बातों को नहीं मानता है वो गलत है, उसका नाश होना तो तय ही है, ये तो अहंकार ही हुआ, सच में अहंकार ही लगता है देखने में। पर माँ है, उसका छोटा सा बच्चा है 5 साल का, और चाहे बच्चा माँ को माने, प्यार करे या ना माने करे, माँ तो प्यार कर रही है, पर अगर उस पर कोई संकट आता है 5 साल के बच्चे पे, माँ तो रक्षा के लिए तैयार है, पर अगर बच्चे को विश्वास नहीं है तो वो तो घबराएगा ही। देखते हैं जब बच्चा किसी से लड़ाई कर आ जाता है और कुछ भी होता है, वो किसी को मार कर आ जाता है और माँ की गोद से लिपट जाता है, उसके पीछे छिप जाता है, क्यों? उसे पता है कि कुछ भी हो जाए माँ की गोदी से कोई उसे छीनने वाला नहीं है, माँ तो रक्षा के लिए तैयार ही है। इसी तरह हम चाहे उस ईश्वर को माने या ना माने, हम चाहे आस्तिक हो नास्तिक हो, डजंट मैटर, वो हमारी रक्षा करने को तैयार है। पर जब हम किसी से लड़कर आए हैं, जब हम इतने भयभीत हैं, तो हमारी रक्षा कौन करेगा? वो तो रक्षा को तैयार है, पर हमें भी तो विश्वास होना चाहिए हम किसकी गोद से जाकर लिपटें। तो यहाँ पर अहंकार कहाँ नजर आता है? बस एक देखने का नजरिया होना चाहिए।